हमारे लिंगू दाई कंकाली सेवा जोहार करता हूँ, और पेनवासी डॉक्टर मोतीराम कंगाली दादा, सुरेंद्र सिंह ताराम, इनको मैं सेवा जोहार करता हूँ। मैं अशोक मडावी, गोंडवाना उपाध्यक्ष, गोंडवाना अस्मिता बहुदेश संस्था खरांगना, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ जो मुझे अगले मंथ रिटायर्ड होके एक साल हो जाएगा। मैं गोंडवाना दर्शन का और गोंडवाना दर्शन के संस्थापिका उषा किरण ताई आत्राम का तथा उनकी बेटी शताली शर्मा के का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने गोंडवाना अस्मिता बहुद्देश्य की तरफ से मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, और साथ में बिच्छू वडे सर और नैताम सर जो मेहनत कर रहे हैं पर्दे के पीछे, उनके भी लिए हमारी पूरी अस्मिता टीम बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। मैं सुरेंद्र दादा का था जब कचारगढ़ 2017 या 2016 में, वैसे तो मैं हर साल जाता हूँ लेकिन मैं मिलने का मौका नहीं मिला उनसे, लेकिन मन से देखा था जब मन से वो भाषण कर रहे थे तो देखा उनको कि वो किस तरह से अपने इतिहास को पन्नों को पलट पलट के लोगों को बता रहे थे। लेकिन दुख की बात यह है कि जब वो बता रहे तो वो कचारगढ़ के मंच पे लोग नहीं देख रहे थे या जा रहे थे, लेकिन अगर हम वही नाच देखते हैं, अगर वही वहाँ पे अगर हम गोंडी नृत्य देखते तो हजारों को भीड़ लगते जो हमारे समाज के लिए एक शोकांतिका है। इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। और क्योंकि वो लोग अपना अनुभव शेयर करते तो ऐसे व्यक्ति को सुनना चाहिए। हमें सिर्फ कचारगढ़ जाके नाच गाना नहीं करना है, नाच गाना ही नहीं देखना है, संस्कृत को जपना है। लेकिन जो हमारे महान लोगों ने कार्य किया है समाज के लिए उनको भी सुनना है, उनके मुख से सुनना। आज दादा नहीं रहे, इसका अफसोस है मैं मिला नहीं, क्योंकि मैं सेना में था, बारम्बार मैं कचारगढ़ आ नहीं सकता था, टीम आती थी तो मैं भी जाता था। अब दादा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जहाँ भी है पैसा पेन उन्हें खुश रखे, वो देखे कि आज गोंडवाना हो चुका है। मैं गोंडवाना बहुद्देश्य संस्था के बारे में बताऊंगा, साथ में विवाह प्रथा जो हमारी है रूढ़ी परंपरा कि किस तरह से होता है, जो हम भूलते जा रहे हैं या हम लोग बोलते जा रहे हैं सिर्फ, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन ये जो गोंडवाना अस्मिता बहुद्देश्य संस्था जो आप आज सुन रहे हैं या देख रहे हैं, इसका सफर इतना आसान नहीं था जितना आप लोगों को लगता है कि आज गोंडवाना अस्मिता हर कोई जानने लगा है, हर राज्य में पहुंच चुकी है बात। लेकिन इतना खट्टर प्रवास था कि मैं बताने के लिए चाहूँगा कि इससे कोई सीख ले, नए लोग सीख ले, जान ले। ये मैं जब 2013 कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में था, कुपवाड़ा जो बहुत बॉर्डर इलाका है पाकिस्तान का, वहाँ से फेसबुक से जुड़ा, मतलब लोगों से जुड़ा, सामाजिक लोगों से जुड़ा, धीरे धीरे बातें होने लगी। तो मैं देखता था समाज के ग्रुप्स होते या जो भी होते वो बातें करते समाज के लिए बहुत, लेकिन ऐसा मैंने कोई देखा नहीं कि शिक्षा के लिए कोई बातें करते हो या शिक्षा के लिए कुछ मदद करते हो। तो ऐसे मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम शिक्षा के लिए कुछ करें, शिक्षा के लिए करना चाहिए क्योंकि समाज में कोई आगे नहीं आ रहा है तो क्या करें और क्या नहीं करें। तो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स थे एक दो, एक नासिक से थे, एक यवतमाल से थे, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, शायद वो समझ जाएंगे। तो मैंने ऐसे डिस्कस किया उनके साथ कि यार हमारे समाज के लिए ऐसे ऐसे है, और तो मुझे हमें ऐसा करना चाहिए कि हम क्यों ना उच्च शिक्षा पाने वाले बच्चे हैं जो आर्थिक वजह के कारण एडमिशन नहीं ले पाते या फिर वो आगे नहीं पढ़ते, बहुत है उनमें टैलेंट इतना है, परिस्थितियाँ जो होती है वो नहीं कर पाते। वो जो मेरे साथ हुआ था, जैसे मैं गढ़चिरौली में 93 में और 10th में होता था, तब मेरे पास 1000 रुपये नहीं थी, 1000 रुपये तो मैं डीएड नहीं कर पाया था। तो एक सोच थी मन में कि मैं क्यों ना अपने बच्चों को लेकर तो इसको साकार कर ले, किस तरह से किया। तो हमारी डेली डिस्कशन होती थी तीनों लोगों में, बहुत ज़्यादा बातें होती थी, करते थे समाज के ऊपर ही घंटों घंटों बातें करते, और लोगों से गाइडलाइन लेते तो क्या करें।
फिर दोस्तों ने बोला क्यों नहीं हम सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल दें कि शिक्षा के लिए ऐसा ऐसा करना है, किसी एक के अकाउंट में हम पैसा डाल दें और पैसा जिसको ज़रूरत पड़ेगा उसी में डाल दें। फिर हमने पोस्ट किया, बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत अच्छे कमेंट्स आए, बहुत उन लोगों ने वाह वाह की, सब कुछ किया। फिर धीरे 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 कि मतलब ऐसे करते करते हम रिप्लाई देखते गए लोगों का कि लोगों का रिप्लाई क्या आ रहा है, लोग क्या बोल रहे, क्या करना चाहते हैं। इसमें बहुत ही सामाजिक, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने, मतलब जो सामाजिक लेवल पे है उन्होंने बहुत अच्छा रहा, तो एक हमें मजबूती मिल गई। तो फिर बात आ गई 2015 की, जून 2015 में फिर मैं छुट्टी लेके आया और मीटिंग की तारीख तय की गई धानोरा, गढ़चिरौली जिले का तहसील धानोरा में, गोंडवा साथ में। उस टाइम धानोरा में इतनी जन जागृति नहीं थी समाज के प्रति वगैरह, तो एक तो मीटिंग भी रखी और सम्मेलन भी रखा ताकि लोगों को थोड़ी जन जागृति आ जाए। उसमें से बहुत सारे सुशीला मैडम, मारुति के सर, अंजना ताई, मानिक ओरी दादा, शताली शर्मा के, आयुष मरस, अलग अलग राज्यों से अस्मिता की मीटिंग अटेंड करने के लिए आए थे। बहुत अच्छा लगा कि चलो पहली बार है और सभी सपोर्ट कर रहे, तो सपोर्ट कर रहे, तो फिर हम लोग भी जोश आया फिर उसमें कि हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि किसी के अकाउंट में जमा करना ये सही नहीं है, सही नहीं है। तो फिर मानिक दादा ने एक संस्था के तौर पे, मानिक ओरती दादा जो अभी अध्यक्ष है हमारे संस्था के, जो जो हमें गाइडलाइन करते हैं और उनको मैं सेवा जवाहर करता हूँ। दादा आप जरूर देख रहे होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप नहीं देख रहे हो, तो सेवा जवाहर करता हूँ। उन्होंने एक संस्था की नियमावली बनाई जिसमें शिक्षा के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा भार देने का, मतलब शिक्षा के ऊपर फोकस करने का, उसके लिए उन्होंने नेशनल लेवल पे एक संस्था बनाई, संस्था नियमावली बनाई। नियमावली बनाने के बाद टीम गठित हुई, बहुत अच्छे अच्छे लोग टीम में आ गए, जुड़ गए। लेकिन क्या, जब टीम गठित हो गई उसके बाद क्या, उसके बाद मैं अपनी ज्वाइंट ड्यूटी किया। मैं क्या कर सकता था, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कर सकता था जो लोकल पार्टी है उनको, वहाँ से ड्यूटी से ये कीजिए वो कीजिए या इधर कीजिए। एक 6-7 महीना अच्छा चला, थोड़ा जोश था। उसके बाद टीम धीरे 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 मतलब ऐसा नहीं लगा कि मुझे कि टीम अभी कुछ करने के लिए, या फिर मेरा रिप्लाइस नहीं देना, या फिर मुझे मैं अकेला बोलता, लेकिन मुझे उस टाइम, मैं उनका जरूर नाम ले जाऊँ, जो मुझे आज भी भले ही कुछ नहीं भी हो, मनोहर कोरती सर का, जिन्होंने मुझे कभी हौसला हारने नहीं दिया, कभी नहीं, हमेशा टच रहे, तुम लगे रहो, किट विटअप करो, ये करो, लगे रहो, तुम सक्सेस होगा, इस तरह से वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे और आज भी करते रहते, हर समय वॉच करते रहते, हर समय ये करते, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई है। फिर धीरे धीरे तो ऐसे संस्था से जुड़ना का मतलब, शुरू में जो सदस्यता ली थी, जैसे बहुत सारे सर ने हैं जो डायरेक्टली पैसे देने वाले, जैसे द्वारा उन्होंने 5000 डोनेट किया था, उसके बाद हंसर आज डाका सर हैं जिन्होंने 5000 दिया था, कम मैडम है बालाघाट से उन्होंने भी 5000 दिए, कुछ ईरान के लड़की घनश्याम मडावी करके उन्होंने भी डोनेट किया, तो उनको अच्छा लगा था। लेकिन कितना, एक बार आपको मदद करने से या आपकी एक बार सदस्यता लेने से तो कुछ होगा नहीं, जो संस्था का मूल उद्देश्य शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग करना, तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, कर नहीं सकते तो फिर क्या, महीने में 1-2 सदस्य क्या, 750 रुपये में क्या आता है, 750 अगर महीने में 2 हो गए तो 1500 रुपये, 1500 अगर साल भर में अगर आप 20-25 भी करेंगे तो कितना हो गया, तो क्या करोगे किसी के लिए। तो टीम भी धीरे धीरे जो थी काम करने वाली, उसको लगा कि ये यार मुश्किल काम है, क्योंकि लोगों से पैसे मांगना, लोगों को 10 बार बताना, तो वो धीरे 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 तो कोई नहीं रहा तकरीबन, उसी में कुछ पुराने सदस्य थे, उसमें से एक नया लड़का था महेश कंगाली करके, बिल्कुल जिसके मैं फेसबुक के माध्यम से, वो मुझे पूछता सर मैंने सदस्यता ली थी तो क्या हो रहा है संस्था में। मुझे लगा कि कोई आज तक नहीं पूछा, सदस्य लिया, डोनेट कर दिया, चल दिया, लेकिन ऐसा लगा मुझे उस लड़के के बारे में, ये लड़के में कुछ तो है जो मुझे पूछता रहता है। तो फिर मैं छुट्टी आया और उसको बताया कि इस तरह से है, इस तरह से सब एक एक करके बिछड़ रहे और मुझे कोई मिल नहीं रहा है लोकल बंदा, तो इस तरह से ना संस्था का रजिस्ट्रेशन हो पा रहा है ना कुछ हो रहा है।
तो बोला सर ठीक है हम ट्राई करते हैं। फिर हम लोग डिस्कशन होते गया, उसमें कपिल कोटनाके जी थे, पुराने सदस्य राजेंद्र मड़ावी जी थे, हर्षद कोराम थे, मंगेश तोड़ा से थे, कल्याणी चीर, मैं उनके डेडिकेटेड पर्सन के पर्दे के पीछे जो काम कर रहे, मैं माध्यम हूँ लेकिन पर्दे के पीछे कितने लोग काम कर रहे वो कहीं सामने नहीं आए। तो इस तरह से जो लड़के थे, तो फिर हमने सोचा कोई नहीं ले रहा है, कोई कोई बात नहीं, हम लोग शुरुआत करते नए से। फिर नवंबर 2016, नवंबर 2016 मुझे याद है अभी, तो हमने सोचा क्यों ना हम छोटा सा एक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करें, क्यों ना हम अब खुद ही संस्था के लिए एक अकाउंट में डोनेट करें, क्योंकि संस्था का अकाउंट भी उस टाइम ओपन नहीं हुआ, कोई काम करने वाला नहीं था, कुछ नहीं था, क्योंकि जो जिस वकील के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए दिया था वो बार बार फ़ोन नहीं उठाना, कभी ये कभी वो, उसका यही चलता था। तो फिर हमने एक अकाउंट में डोनेट चालू करना शुरू कर दिया, महेश कंगाली जी का अकाउंट में हम डोनेट करते थे हर महीने, जो भी जनता है, कोई 200, कोई 1,000, कोई 2,000। पहले शुरू में 4 लोग हुए, फिर धीरे धीरे सरजू जैसा व्यक्ति बेरोजगार था, वो लड़का इतना डेडिकेटेड कचरगढ़ का, चांद सूरज का, कि वो बेरोजगार होते हुए भी 300 रुपये कमाते हुए भी एक दिन रोजी मिलती, एक दिन नहीं मिलती, तब भी वो मंथ में 200 या 300 रुपये डोनेट करता था। वो पैसा हमारा इकट्ठा होने लगा, इकट्ठा होने लगा, हम लोग मदद करते चले गए, मदद करते चले गए, मदद करेंगे तो सोशल मीडिया का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें कोई लोग बोल सकता है कि प्रसिद्धि पा रहे, लेकिन नहीं, उसको समझना चाहिए कि मेरा भी समाज के लिए, क्योंकि संस्था पे बैक टू सोसाइटी के लिए तैयार हुई थी। आप मतलब आज जिस समाज ने आपको जन्म दिया, शादी किया, मृत्यु होगी तब भी देंगे, वही कंधा देंगे, और आरक्षण दिया, आरक्षण के बल पे अगर आप नौकरी पे लग रहे हैं तो आपका भी दायित्व है, आपका भी दायित्व है कि आप समाज के लिए कुछ करिए। आपको समय नहीं मिलता है, मत दीजिए समय, मत दीजिए समय, कोई मांगता नहीं आपको समय, लेकिन जो काम कर रहा है उनको तो सहयोग कीजिए, उनको तो सहयोग कीजिए। जरूरी नहीं कि वो गोंडवाना अस्मिता ही चाहिए, आप लोकल में भी होते, लोकल होता है, लोकल टीम होती है, लोकल लोग काम करते, उनको सहयोग कीजिए, आर्थिक मदद कीजिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा काम करते हुए। फिर जब हम लक्ष्मण शर्मा के चौड़मपल्ली मुलचेरा, शायद लक्ष्मण सुन रहा होता तो, हो तो नहीं देख रहा है पता नहीं, लेकिन उसको फाइनल ईयर था शायद, कुछ हमारे पास भी इतनी ज्यादा अमाउंट नहीं थी, 3-4 हज़ार उसको लगना चाहिए था, तो फिर उस कि चलो शुरुआत कर देते लक्ष्मण शर्मा के से। फिर हमने लक्ष्मण शर्मा की मदद की, और लक्ष्मण शर्मा के जो आज का एक हमारे जिला और तकरीबन महाराष्ट्र में जो उसको स्थान मिल रहा है, उसको पहला मौका किसने दिया, तो शायद अस्मिता ने दिया। उसकी पहचान गोंडवाना में अस्मिता के कारण आज वो अपने गांव को, लड़के को गोंडी नृत्य के माध्यम से आज फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, आप अगर गढ़चिलम जाते हैं जहाँ भी पुलिस सम्मेलन वगैरह करते थे, इनका नंबर होता है, तो आज एक रोजगार का साधन बना, लेकिन पहचान अस्मिता ने दी है उसको, कि आपका नृत्य किस प्रकार होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, और लड़के में टैलेंट था और उसने कर दिखाया, और मंच मिला था अस्मिता का, तो उसको मदद की। फिर धीरे धीरे जैसे मदद के एक दो लोगों से कॉल करते या फिर जो प्रशंसा करते हमारे, फिर हम उनको मैसेज करते, सर क्या आपको अच्छा लगा काम, अगर अच्छा लगा है तो आप जुड़ जाइए सर, आपको भी मिलेगा, इस तरह से हम लोग बोलते थे। तो कोई रिप्लाई देता, कोई नहीं देता, जहाँ पैसे की बात, तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको देने की सोचते हैं, भी देरी नहीं लगती है आपको, 1 मिनट भी, 1 मिनट के लिए भी नहीं, वो तुरंत डोनेट कर देता है या डोनेट हाँ बोल देता है, नहीं तो जिसको नहीं देना होता है कल परसों परसों कल, ऐसे इस तरह से होता है। उसी साल 2016 में शायद लक्ष्मण धूमकेतु जबलपुर, जो गोंडी गायक है, उनको कुछ एल्बम बनाना था, हम शुरू और एल्बम बनाना था, उस 6-7 हज़ार एल्बम, तो हमें तो वॉइस का उतना पता नहीं, वॉइस क्या होती है, क्योंकि हम तो गायक है नहीं, तो हमें जब तक हम वेरिफिकेशन कुछ चीज़ की नहीं करते, हम लोग किसी को मदद नहीं करते। फिर उनकी वॉइस मांगी, फिर मैं तब भी कश्मीर में था, और फिर वॉइस मांगी मैंने, शंभू कोचाड़े नागपुर के थे, मैं एक बार मिला था उनको संस्था सदस्य के लिए, उन्होंने ली भी थी, तो मैं उनको मिला, मतलब वॉइस भेजी, सर इनकी वॉइस कैसी है, क्या ये वाकई लगता है आपको कि गोंडी गायक बन सकते हैं या क्या है,
तो उन्होंने वॉइस सुनी, फिर लड़के को बताया जो भी कमी पेशी थी, तो उन्होंने बोला, रिपोर्ट दे दी कि अशोक नहीं ठीक है, हम लोग कर सकते। फिर हमने लक्ष्मण धूमकेतु की, तो जैसे करते गए इधर व्हाट्सएप व्हाट्सएप जो हमारी टीम थी गोंडवाना अस्मिता, अब भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है संस्था का रजिस्ट्रेशन के, तो व्हाट्सएप टीम तब तक लोग जुड़ते जा रहे थे। तब तक हमें एक विद्यार्थी नहीं मिली थी, कल्याणी चिडाम, जो सेलू वर्धा से है, उसने बहुत संस्था के लिए मदद की। साथ में मैं चंद्रशेखर मडावी सर का भी धन्यवाद कहूँगा, जिन्होंने संस्था के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत हेल्प की। क्योंकि हम पहले वकील के पास नेशनल लेवल पे जा रहे थे, तो वो हो नहीं पा रहा था, बारम्बार वकील कुछ बोल रहा था, तो फिर मैं कहा बताऊंगा रजिस्ट्रेशन कब हुआ, लेकिन बीच में याद आता है तो फिर बताना पड़ता है। तो इस तरह से करते गए लक्ष्मण धूमकेतु को करने के बाद और एक दो जुड़ते गए, 8 से 10 हो गए, 10 10 हो गए। फिर हमने आई थी उर्मिला सिडाम फ्रॉम भामरागढ़, राजा मनी राजा राम, एक बहुत ही दुर्गम एरिया में गांव मनी राजा। साथ में सहायता का भी, सहायता टीम थी भामरागढ़ की, उनका भी सहयोग रहा है। उन्होंने भी, क्योंकि उस लड़की को किसी संस्था ने पहले पहले की जो फर्स्ट ईयर की शुल्क थी वो भरी थी, मतलब दोनों भाई बहन अनाथ थे, शायद कुछ माँ वगैरह बाप नहीं थे, अनाथ थी, और भाई भी कुछ पुणे में ऐसे करके उसको पढ़ाई करता था, लेकिन फर्स्ट फी किसी संस्थान भरती, लेकिन सेकंड फी भरने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, तो उसको नहीं भरती तो एजुकेशन छोड़ के वापस आना पड़ता। फिर हमारी टीम में कपिल कोटनागे जी, महेश कंगाले जी, श्याम राव उसेंडी जी, मंगेश तो मंगेश शर्मा के और किशोर वड्डे दादा वगैरह सब मिलके और जाने की कोशिश की, क्योंकि हम सत्यता जानते हैं। वो इतना दुर्गम एरिया था उस गांव में कि उस गांव में हमारी टीम जाके भी पहुंच नहीं पाई, सोच ली, जाके भी पहुंच नहीं पाई, मतलब रास्ते से गाड़ी वापस लेके आना पड़ा उनको, रास्ते से गाड़ी वापस आने के, मतलब इतने दूर से, यवतमाल से कोई है, कोई नागपुर से है, कोई गढ़चिरौली से, हमारी टीम मिलके फिर सर्च जाती है, पूछती है क्या है वास्तविकता, तब मदद जाके करती है। लेकिन हमने सोचा यार इतनी इतम दुर्ग एरिया में है लड़की, तो पक्का इसको ज़रूरत है, तो हमने उस टाइम डोनेट कर दिया उसको, उसको दे दिया, दे दिया। फिर लोगों में अच्छा संदेश गया, फिर एक दो लोग हमारे, हम ज़्यादा तो कोशिश करते हैं कि सदस्यता से हम जितना मजबूत आर्थिक बनेंगे उतना हम उद्देश्यों पर काम करेंगे। उद्देश्य तो दो करके, आप अगर संस्था के उद्देश्य देखेंगे 1 से 25 क्रमांक है, हमारी प्राथमिकता रहेगी वो मैं बताऊंगा उद्देश्य बाद में लास्ट में, कि क्या करना है अभी आगे और क्या नहीं करना चाहिए, कि सामूहिक के लिए क्या होता है। तो इस तरह से उसके बाद बात आई तृप्ति चिडाम फ्रॉम सेलू, सेलू से तृप्ति चिडाम एमटेक फूड कर रही थी, एमटेक कोयम्बटूर में कर रही थी, उसका फूड प्रेजेंटेशन के लिए नाम आया था चाइना, चाइना जाना था, क्या करें, एक अस्मिता है, नाम सुना है, रिक्वेस्ट आई, हम जानते भी थे सेलू में हमारी कल्याणी चिड़ा मैडम रहती ही थी, आई और उसने पूरे डॉक्यूमेंट्स भेजे, सब कुछ भेजा, वेरीफाइड हुआ, उसमें हमारे संस्था के सचिव महेश कंगाले जी ने बहुत मदद की उस लड़की के लिए, वीसा वो ये इसके लिए उसके लिए, फिर उसको भी फिर जो भी ज़रूरत थी हमने उनको मदद की, फिर हमने सोशल मीडिया में डाला, फिर अच्छी प्रतिक्रिया आई, अच्छी प्रतिक्रिया, लोग फिर से हमारे टीम में धीरे धीरे जुड़ते गए, कारवा बढ़। 1 साल था जो, 1 साल जो 2016, ये हमारे लिए सबसे दुखदायक था, जिसमें सब धीरे धीरे छोड़ते 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 चलते चलते चले गए, और फिर रह गए वो जिन्हें बिल्कुल समाज जानता तक नहीं, वो ही समाज के लड़कों को देखे। फिर 2017 में हमने फिर से रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की, जिसमें मानिक दादा को रखा अध्यक्ष और बाकी की तकरीबन छुट्टी हो गई, सारे नए लड़के, पूरा युवा, जिसमें बेरोजगार है और सरजू है, मंगेश है और कल्याणी है जो विद्यार्थी है, फिर कपिल जी है, अर्षद जी है, महेश जी है, रंजना ताई है, इस तरह से 11 की टीम हमने रखा था, क्योंकि वो डेडिकेटेड, एकता, यूनिटी, जहाँ भी बोलना है चले, जहाँ भी है चले, कुछ भी लड़ाई करना है तो हम नहीं करेंगे, लेकिन उस चीज को किसके लिए, सिर्फ काम के लिए, ये काम होना तो होना,
होना चाहिए तो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसके लिए फालतू मुझे ये पद चाहिए मुझे वो पद चाहिए, नहीं। और ये पद ही लालच है, पद ही लालच है जो लोगों को संगठन तोड़ने में इस माध्यम से मैं आप सभी संगठन को ये बोलता हूँ, काम कीजिए, काम कीजिए, आपको प्रसिद्धि अपने आप मिल जाएगी। आप करके तो देखिए, करके तो देखिए, कोई जरूरत सफलता आपके पीछे कदम चूमेगी। हमें कौन जानता था, कोई नहीं जानता था। काम करते गए, कारवा बढ़ता गया, आज कारवा बढ़ता गया। आज एमपी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कहाँ का सदस्य नहीं, सिर्फ कोकण महाराष्ट्र का छोड़ के और विदर्भ का बुलडाना और अकोला का सदस्य नहीं है, बाकी मुंबई से लेकर सारे सदस्य यहाँ है। आप अगर रीवा, मध्य प्रदेश में भोपाल, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला, अभी नाम भी नहीं आ रहे मेरे को जितने सदस्य है, उसके बाद छत्तीसगढ़ से देखिए, दरियागंज से लेके राजनांदगांव तक के, क्यों? एक काम का, काम करने का, साथ में ले चलने का। सही, दादा अध्यक्ष जरूर रहे, हमें मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन टीम को एकजुट कैसे रखें? टीम को एकजुट रखना बहुत बड़ी बात है। आप मार्गदर्शन किस तरह से करते हैं उनको, आप क्या करते हैं? सिर्फ आप बकर बकर कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, नहीं। आप पहले करिए, अगर मुझे वहां पे कुछ काम दिया गया है या मैं दे रहा हूं उनको, मैं बुलाऊंगा वो पत्थर उठाने हमको, भाई यहां से बोल दिया सिर्फ तो कोई फायदा नहीं। अगर मैं जाके पहले उधर पत्थर उठाऊंगा तो मेरी टीम भी पीछे पीछे मेरे पत्थर उठाने आएगी, ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं करूंगा तो वो भी खुद करेंगी, क्योंकि मैं उनको उदाहरण पेश कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे अनुशासन ऑलरेडी सेना से मिला हुआ है और अनुशासन से किस तरह से टीम को वर्क करना चाहिए ये पता है। चले आगे बढ़ते हैं, और तृप्ति चिडाम के बाद ब्रिजेश मड़ावी एंड प्रिया मड़ावी, पोनियाल झिर्री टोला, जिला मंडला से रिक्वेस्ट आई थी। ब्रिजेश मड़ावी MBBS का छात्र था, प्राइवेट में था, हिंदी मीडियम से था, तो फर्स्ट ईयर में वो फेल हो गया, फर्स्ट ईयर में फेल हो गया, तब क्या करें, हमारा तो सदस्य है उधर के दो तीन, लेकिन सब बाहर है, आउट ऑफ स्टेट है, कैसे इंक्वायरी करें। फिर हमारे हिम्मत उईके जी थे, हिम्मत उईके जी बोला कि देखिए ये गांव से रिक्वेस्ट आई है, हमें तो पूरी पूरी जानकारी चाहिए, हम तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स लेते, डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद हमारे अगर डॉक्टर का लड़का, डॉक्टर बनने वाला लड़का है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम डॉक्टर टीम को भेजते, अगर इंजीनियर का लड़का हो तो इंजीनियर वाली टीम हमारी है उसके पास भेजते, अगर कोई कानूनी सलाहकार चाहे तो हमारे पास कानूनी सलाहकार है उनके पास भेजते। तो वो तो पूरे रिपोर्ट देते नीट की एग्जाम, डॉक्टर साहब हमको बताते कि ये ठीक ठाक डॉक्यूमेंट्स है, सारे डॉक्यूमेंट्स सही पाए गए इस तरह से। तो जब वो फेल हुआ तो उसको रीएडमिशन होना था, शायद रीएडमिशन होना था, ब्रिजेश मड़ावी फेसबुक पर भी है और ये भी है। तो उसको फिर भाई बहन को थी, फिर हमारे डॉक्टर अजित मार को अकाउंट शायद नहीं था, तो फिर हमारे सदस्य डॉक्टर अजित मार को सर के पापा मम्मी जबलपुर में ही रहते, मम्मी पापा जबलपुर में रहते, तो फिर उनके द्वारा फिर हमने लोग प्रेरित हो गए कि नहीं यार लोगों को मदद करते जा रहे, तो और भी जुड़ते गए व्हाट्सएप टीम से। फिर उसके बाद आई पिछले साल की बात, ये सारे पिछले साल 2019 में सबसे ज़्यादा मदद हैं, 2016 में दो है, 2017 में अलग अलग है। फिर भावनाधु कोसा बुडा तहसील चुरा जिला दरियागंज, आप सबको पता है, आप सभी ने न्यूज़ देखी थी, पेपर में देखा था, सब सोशल मीडिया में घूम रहा था। भावनाधु को 1,80,000 कुछ रकम चाहिए थी उसको एडमिशन के लिए, जो क्लैट क्लियर किया था उसने पिछले साल जुलाई में, हाँ पिछले साल जुलाई में, रिक्वेस्ट नहीं है किसी ने, लेकिन हमारी नज़र रहती है कि कोई छात्र ऐसा ना हो कि इसमें है लेकिन पीछे ना रह जाए। तो हमने भी संपर्क किया उनके पिता सुवालाल उईके, कुछ नाम था पिताजी का, हाँ सुवालाल उईके, फिर बात की हमने क्यों नहीं भेजा डायरेक्ट 1,80,000 या कुछ नहीं, हमने क्यों, उन्होंने बहुत से लोगों को देखा था, हमने डायरेक्टली व्हाट्सएप पिताजी में संपर्क आखिरी दिन तक थे जिस दिन एडमिशन भरना था, तो मतलब कल एडमिट सर कितना राशि आई क्या हुआ रहे टच में। अगर हम पहले राशि भेज देते 20-30-40-50 जो भी भेज देते, लेकिन अगर 1,80,000 चाहिए उसको और हम चलो 40,000 ही दे दिए तो बाकी की राशि नहीं मिलती तो कोई फायदा नहीं होता, इसलिए हम इसलिए रुके थे कि आपके पास अमाउंट कितनी है, कितनी आई है, जो बाकी की अमाउंट है वो अस्मिता देगी। तो हमने वो रात के 10 बजे फिर लास्ट फाइनली कल एडमिशन करना है उनको, और फिर
तो उनको सिर्फ समथिंग 20 कुछ हज़ार की ज़रूरत थी, लेकिन हमने 20,000 नहीं दिए। चलो 20,000 भेजते, बच्चे को बुक्स चाहिए, कुछ चाहिए, तो उसका ड्रेस होगा, ड्रेस कोड होगा कॉलेज में। फिर हमने 40,000 उनको ट्रांसफ़र कर दिए थे, तो आज वो पढ़ाई कर रही है और अस्मिता की सदस्य है। उसके श्रीनिवास रूपम सर, डॉक्टर श्रीनिवास रूपम सर, सभी आप जानते हैं, आए और मैं भी था, सचिव साहब भी थे साथ में, बोले यार ऐसा ऐसा काम है। तो प्रियंका मरका में, टिस में जो मुंबई में काम करती थी, प्रियंका मरका आप शायद जानते हैं, जो एनडीटीवी में एक बार पायल तड़वी की आत्महत्या करने के बाद एनडीटीवी रविश कुमार के साथ उसने इंटरव्यू में दिया है बैतुल की क्या। तो सर इसको कुछ पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप के थ्रू कैनेडा में नाम आ गया, कैनेडा वीसा नहीं दे रही है उनको, 8 लाख चाहिए। तो ये 8 लाख आएंगे कहाँ से, 8 लाख कुछ समथिंग। तो सर बोले मैं इम्पॉसिबल है, हमारे पास तो है ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं, तो हम कहाँ से करेंगे। तो फिर सर बोले ऐसा करते अशोक, आह्वान करते लोगों को, मैं सभी ग्रुप में डालूंगा और अस्मिता में अकाउंट में पैसा जमा होता जाएगा। बोला सर रुक जाइए, थोड़ा रुक जाए, हमारे मित्र भास्कर आलामी सर है यूएस में, वो अस्मिता के सदस्य भी है हमारी, कि फॉरेन जाने के लिए क्या पॉलिसी है क्या नहीं है एजुकेशन के लेवल पे। तो फिर हमने भास्कर सर को फ़ोन लगाया, सर ऐसे ऐसी बात है, वो प्रियंका मरकाम है लड़की और पीएचडी करने के लिए कनाडा जा रही है। तो फिर सर ने नंबर मांगा प्रियंका, प्रियंका जी को मैंने अपना नंबर दे दिया और प्रियंका ने जो डॉक्यूमेंट भेजे थे वो सर को भेज दिया था ऑलरेडी स्टडी करने के लिए। तो फिर सर ने देखे, सर से बात की और 2-3 उसी मंथ उसको बिना पैसे की कोई किसी से मांगते हुए वीसा भी मिल गया। आज वो कनाडा में पीएचडी, खुशी होती है जब कोई अपना लोग जाता है कहीं बाहर और मदद हो जाती है, तो वो खुशी की अलग खुशी होती है, जो मन को संतोष मिलता है वो आपको ऐसे नहीं मिल सकती। जैसे हम बोल है या देता है उसको पता चल जाता है। फिर हमने दोस्त को, हमारे कुछ मेंबर्स बोलिया है जो हमें डोनेट करते हैं, जैसे आपका बालाघाट जिले में तहसील बहर पूनिया गांव जहाँ पे फागू सिंह परस्त जी शिक्षक है, अभी वो मदद करने के बाद हमारे टीचर भी बन गए। और एक एटापल्ली तहसील जिला गढ़चिरौली में एक मोडेस के गांव है, वहाँ के लिए सदस्यों ने बोला सर बहुत ही गरीब बच्चे, ठंडी आ रही है और ठंड है तो उनको कपड़े भी नहीं थे, हमें बहुत अच्छा नहीं लगता, हम वहाँ पे जाते हैं ड्यूटी के लिए वगैरह तो बहुत बुरा लगता है। तो हमने बोला ठीक है डिस्कशन करते हैं क्या होता है। फिर डिस्कशन हुआ कार्यकारिणी ने, तो 2 टीम बांटी गई, एक भंडारा टीम बालाघाट जाने के लिए और एक टीम उसी दिन एटापल्ली जाने के लिए। भंडारा टीम में देवराज सर के अंडर में दिलीप सर, मोरेश्वर सर और भंडारा के जितने लोग हैं, इनकी टीम बालाघाट के लिए रवाना होगी और हम रवाना होगी, क्योंकि एटापल्ली ऐसा एरिया था जहाँ पे नक्सलाइट एरिया, बिल्कुल नक्सलाइट। जिस दिन हम जा रहे थे, जिस तारीख को जा रहे थे, उसी तारीख को मोडस के गाँव के पास, गाँव का नाम नहीं आ रहा है मुझे अभी, जा रहे थे क्योंकि वहाँ तो साधन जाना मुश्किल होता है, बाइक से वगैरह जाना होता है। तो उसमें 2 लोगों ने मतलब 2 खबरिया करके, जो खबरी होते हैं पुलिस को बताने के शक में, हमारे नक्सलवादियों ने 2 लोगों को मारा था। हमें पुलिस में रास्ते में रोका, बहुत जगह रोका कि नहीं जाना है वहाँ पे, आपको उस गांव को पार करके जाना है, उस गांव के लिए अगर जाना है। तो हमने बोला क्यों नहीं सर, नहीं बोला माहौल गर्म है वहाँ, ऐसे बोलते थोड़ा होगा तो इतना बड़ा बता देते ताकि मतलब डर जाए और वापस चला जाए। हम बोले क्यों सर, हम क्यों जाए, हम तो अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, मारने से पहले पूछेगा तो सही, अगर नक्सलवादी तो क्या हुआ, पूछेगा नहीं डायरेक्ट गोली मार देगा। हमारे पास है साजो सामान है, बच्चों की मदद के लिए जा रहे हैं, जूते है, स्वेटर्स है और सॉक्स है, टोपियाँ है, मार देगा, पूछेगा तो ज़रूर। तो उन्होंने बोला ठीक है आप जाना चाहते हो लेकिन जल्दी आ जाओ, शाम से पहले आ जाओ, शाम होने से पहले, अंधेरा नहीं होने दे। लेकिन कोई किसी काम के लिए जाता है तो भला आदमी जल्दी थोड़ी ना आता है। गए हम लोग, पहुंच गए, टीचर छुट्टी देके चल दिया, छुट्टी देकर, जबकि उनको पता है आज हम लोग आ रहे हैं, पता है उनको भी आज आ रहे हो, टीचर भी कौन अपना ही समझ कर, और गांव
उसका अंगारा तहसील धानोरा जो मेरे उधर का होगा। अब बच्चे नहीं, टीचर जी जा रहे, हमने टीचर जी को ढूंढा, बुलाया, टीचर जी को बोला और एरिया देखेंगे आप, सच में ऐसे लगता है कि कितने हमारी दुर्दशा होती है स्कूलों में भी, पूरे सुअर की टट्टी चारों तरफ। मैंने फेसबुक में भी डाला था कि देखिए हमारे स्कूल में बच्चे कैसे रहते। मैं गांव वालों को भी बुलाया, उनको, यार ये आपके बच्चे पढ़ रहे, ठीक है गवर्नमेंट नहीं कर रहे, स्कूल नहीं कर रहा, आप तो करो, आपके बच्चे पढ़ रही है यहाँ पे, आपके बच्चे, कल बीमारी फैलेगी, बारिश आएगा, टट्टी आई होगी, तो तुम क्यों नहीं, क्या नहीं कर सकते, जंगल की कोई कमी है वहां पे, जंगल जाओ लगा दो, ये आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए। बहुत बोला, बहुत सुने भी उन लोगों ने, फिर टीचर को भी बहुत सुना दिया कि मैं बोला आप एक समाज से व्यक्ति हो के फिर भी आप अपने बच्चों को इस तरह से कर रहे, मुझे इस तरह से शिक्षा दे रहे थे, शर्म की बात है आपके लिए। तो उनका जवाब क्या था सर, बोल रहे सिर्फ सर मुझे 3 महीने हो गए और वहाँ 1 से 5 तक क्लास है, 1 से 5 तक किसी भी बच्चे को फाड़ा, 2 1 2 मतलब बेग बे बेदुन चार जो भी है वो आके अक्षर भी नहीं आ रहे। तो ये है हमारा शिक्षा, ये है हमारी शिक्षा, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा, जबकि हमारे टीचर हमारे समाज के टीचर क्यों, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं मेरे लिए समाज के लिए क्या करना है, क्या समाज के लिए देना है, क्या नहीं देना है, मेरा कर्तव्य क्या है मेरे समाज। जब तक ये भावना हमारे अंदर में आएगी हमारा समाज आगे प्रगति करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हम अपना आरक्षण लेते हैं, नौकरी पे लग जाते हैं, फिर चल देते हैं, अपनी फैमिली बच्चे गाड़ी बंगला ये सब सब यही चलता रहता है, लेकिन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक हमारे बच्चे जाएंगे कैसे कैसे। और उसी गाँव में देखिए, मैं अभी भामरागढ़ इस संस्था के चक्कर में 2-3 उस एरिया में 3-4 बार जा चुका हूँ, 3-4 बार जा चुका हूँ, इसलिए क्योंकि बहुत अति दुर्गम एरिया में, तो हमारा फोकस ज़्यादातर भामरागढ़ में इसलिए रहता है कि महाराष्ट्र के अंदर वहाँ सेवाएं तो है ही नहीं, दूरसंचार सेवाएं वगैरह तो है ही नहीं, बिजली भी रहती नहीं है, तो फोकस रहता है तो मतलब बहुत बुरा लगता है। वहाँ लास्ट कोने तक बंगालियों के घर बसे, सबसे दुख की बात, और बंगाली के हर एक घर में मतलब जो भी बंगाली है वो पूरा शॉप खोल के बैठे, कोई पान की दुकान, कोई कुछ, कोई कंट्रोल। बस के गाँव में किसी पूर्वज के पास एक स्कूटी या बाइक भी नहीं होगी, उस गांव में मोडस गांव में एक बंगाली ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया, जो राशन दुकान बोलते सरकारी, और उसके पास 2 गाड़ी, वो कहाँ से आई क्योंकि हमें पता नहीं राशन कितना आता है, कहाँ जाता है, कहाँ नहीं, क्या है, आपने अंगूठा लगा लिया या ये कर लिया, लोगों से साइन ले लिया, राशन मिल गया, लेकिन वो कर सकते लेकिन हम नहीं, क्योंकि शिक्षा का अभाव है, हमें शिक्षा का बहुत बहुत बुरा लगा उस मोड़े से गांव में देख के, वही गाय का गोटा, वही सुअर का गोटा, मतलब जो होता है तो पूछे मत, मतलब बहुत मैं उन सर का नाम अभी भूल गया, बहुत सुना दिया सर 3 महीने आप सिर्फ नाम के लिए बोले, 3 महीने में तो छोटा बच्चा भी नर्सरी वाले ABCD सीख जाएगा जो आप कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए समाज के लिए। सिर्फ उसने नंबर लिया किस लिए कि कल किसी बच्चे को जरूरत पड़ेगी सर आप मदद करोगे क्या, ऐसे करके। तो ये ऐसे लोग होते हैं, ऐसे मैं सारे टीचर्स को नहीं बोलूंगा, गढ़चिरौली में जितने भी संगठन हैं आदिवासी एम्प्लॉयज फेडरेशन या कुछ भी है, वो सिर्फ टीचर के कारण है। गढ़चिरौली जितना जागरूकता टीचर फैला रहा है उतने जागरूकता अदर कर्मचारी नहीं फैला रहे, खास करके गढ़चिरौली में मैं संपर्क में रहता हूँ, तो हर कोई टीचर ऐसा नहीं होता है, लेकिन मोस्टली होते हैं। आप टीचर लोग बुरा ना माने कि ऐसे, पर मोस्टली देखा गया है कि गांव में जाते नहीं है और ठीक से, क्योंकि ये मेरा पहला ही नहीं और दूसरा मैं आ गया हूँ भामरागढ़ का और भी है, तो उसमें भी यही हाल था। फिर शिक्षा के क्षेत्र में फिर हम लोगों ने देखा कि कुछ हमारे इसमें भी है उद्देश्यों में कि हमें कोचिंग क्लासेस चलना चाहिए। हमने ग्रुप में बात की, हमारे मेम्बर्स वगैरह सबसे बात की कि कौन अपने एरिया में कोचिंग क्लासेस चलाना चाहता है नवोदय की कोचिंग क्लासेस की, क्योंकि आप अगर नवोदय कोचिंग करा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, आप है वहाँ तो रिजल्ट कैसा आएगा, क्योंकि हमारा कहने का मतलब है आपको खोल दिया और चल दिया भरोसे, ठीक है संस्था ने पैसा लगाया जो भी है मानदान है कुछ भी है दे दिया चल दिया, लेकिन क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है, कि पढ़ रहे हैं बच्चे या नहीं पढ़ रहे, ये हमारी जिम्मेदारी होती है, हमें देखना होता है, हमें देखना चाहिए। तो यही सोचकर इससे क्या मतलब, हमारा समाज के बच्चों को कोचिंग क्लास देने का एक ही मकसद था, अगर हम हफ्ते में 7 क्लास दे रहे 6-7 क्लास ले रहे तो उसमें से एक आधे दिन हम
अपने पुरखों के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में, अपने वीरांगनाएं के बारे में, अपने राजाओं के बारे में उसमें ज्ञान डाले, क्योंकि बचपन में ही वो लोग जान सके, जाने कि हमारे भी राजा थे, हमारा भी राज था, हमारे भी ये परंपरा है, ये रूढ़ी परंपरा है, इस तरह से वो लोग जान पाए, ये हमारा मकसद था। लेकिन हमें अफसोस है कि हमने रिजल्ट अच्छा नहीं ले पाए, क्योंकि हम अति दुर्गम एरिया में और नवोदय की कोचिंग ले रहे थे, अहेरी में, रामनगर करके गांव अहेरी से 8 किलोमीटर और अहेरी में, क्योंकि बच्चों में इतना टैलेंट नहीं था जो ठीक से सरकारी स्कूल में थे, तो उनको ए बी सी डी वो लिखाने में उनको थोड़ा समय लगा, लेकिन उनके पढ़ाई में सुधार हुआ इसकी हमें खुशी है। इसके लिए मैं बी किए हुए हमारे अश्विन मड़ावी किए हुए और गावड़े जी है, रुपेश गावड़े जी, उन्होंने बहुत मदद की। वैसे लड़के थे कि उन्होंने बोला था नहीं सर हम फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखा देंगे, हम बोला नहीं यार आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में क्यों, थोड़ा समय तो दे रहे हो, 9 किलोमीटर जाओगे, पेट्रोल का तो खर्चा लोगे। तो हम लोगों ने डिसाइड करके मतलब दोनों को मिला के 1500 रुपये पर मंथ दिया था ताकि बच्चों को पेट्रोल का तो खर्चा कर। ऐसे भी लड़के हैं दुनिया में जो हमारे समाज में कि वो स्वेच्छा से आ गए थे, ऐसे लोगों की हमें आज आवश्यकता है। हमें ऐसे लोग आए जो स्वेच्छा से क्लास लेना चाहेंगे या स्वेच्छा से अपना बताने के लिए चाहिए, तो ऐसे लोगों की आज समाज को खूब बहुत ज़रूरत है और ऐसे होना चाहिए। उसके बाद में सामाजिक हेतु जो अभी हम लोगों ने, अभी तो मैंने सिर्फ शिक्षा हेतु की हुई मदद की बात बताई थी, मैं अभी सामाजिक हेतु अभी तक संस्था ने क्या किया है ये भी बताना चाहूँगा। मैं सामाजिक हेतु में आपको पता उलगुलान वर्धा मोर्चा निकला था, तब समाज का मोर्चा था तो समाज का पैसा जाएगा ना, कोई कहीं से आएगा, समाज कर रहा है कोई अकेला आदमी तो करेगा नहीं, शुभांगी किसी अकेली की तो है नहीं, शुभांगी तो हमारी समाज की है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम 100-200 रुपये दे के जो मोर्चा नेतृत्व कर रहे हैं उनको मदद करें। तो उसी तरह हमने शुभांगी हत्याकांड उलगुलान को मारुति उइके सर के अंडर में जो काम चल रहा था, मतलब मोर्चा निकला था, तब हम लोगों ने वहाँ भी मदद की। उसके बाद राजोरा सेंट जोसेफ स्कूल या क्या था नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, तो वहाँ भी कुछ अत्याचार हुआ था हमारे बच्चियों पर, तो वहाँ भी बहुत सारे मोर्चे निकले, लेकिन हम बहुत सारे को नहीं, जो विद्यार्थियों ने मोर्चा निकाला था सांकेत कोटना केस के, तो उन्होंने आह्वान किया था कि विद्यार्थी का मोर्चा, हम विद्यार्थी है तो हम थोड़ी हमें मदद करेंगे सामाजिक चाहिए, तो फिर हमने भी वहाँ मदद की। और इसमें आदिवासी विद्यार्थी आक्रोश मोर्चा जिला चंद्रपुर में, फिर पिछले साल देखा होगा आपने, पिछले साल जल जंगल जमीन बैलाडीला आंदोलन, आप लोगों ने देखा होगा कि बैलाडीला के ऊपर किस तरह से सरकारी लोगों का हमारे लोगों को अत्याचार कर रहे थे, और किस तरह से लोग भूखे प्यासे 18-18 दिन हमारे लोग भूखे प्यासे मर रहे थे, मतलब खड़े थे, सूर्य के साथ लड़ रहे थे, वहाँ पे सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, तो हमने है, तो हमारे भी सदस्य है दंतेवाड़ा में, नारायण कोमरा सर, बब्बी मैम, कोवाची मैम, सोना मरकम मैम डोनेट करते हैं हर मंथ, वो हमारा भी कर्तव्य है कि हमारी जो बैलाडीला की टीम उधर वहाँ पे डट के सामना कर रही है, डट के सामना सरकार का कर रहे, तो क्यों ना हम भी थोड़ी सी आर्थिक सहयोग कर ले, बहुत लोगों ने आर्थिक सहयोग किया, पर हमारा एक छोटा सा हिस्सा करना चाहिए। तो हमने वहाँ भी सेवा दी, वहाँ भी सेवा की, तो मतलब टीम ने आज तक जहाँ ज़रूरत पड़ी है, ऐसा नहीं जहाँ ज़रूरत पड़ी है टीम ने ऐसे की। फिर पिछले साल रानी दुर्गावती शहीद दिन के ऊपर, मतलब कल ही जो परसों जो हुआ था, उसी के हमने सोचा कि क्यों नहीं ऐसे किया जाए, हर स्कूल में जहाँ तक हो सके, हमारे दुर्गम एरिया में स्कूल है, रानी दुर्गावती की प्रतिमा दी जाए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो जब पढ़ेंगे वीरांगना रानी दुर्गावती मड़ावी, मड़ावी नाम सुनते बच्चे सुनेंगे या ये तो हमारी समझ के, मतलब वो बच्चों में ये आएगा कि नहीं यार हमारी भी रानी थी, वो फोटो देख के जब स्कूल में लगता है तो वो बोलेंगे नहीं ये मड़ावी तो हमारे, मतलब हमारी भी रानी है हमारे समाज में, लेकिन हमें इतिहास में उसको मौका नहीं दिया गया। तो इससे क्या बच्चों में मतलब अपने समाज के प्रति ये हो जाता है, लगाव हो जाता है कि हमारी भी रानी थी, हमारे भी थे लेकिन हमें पढ़ाया नहीं गया, तो इस तरह से। फिर पिछले साल बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी भामरागढ़ साइड में, बहुत ज़्यादा,
जिसमें बहुत सारे घर के घर तो नहीं गए लेकिन खेती का पूरा नुकसान हुआ था। खेती में या उनके घर में जो चावल धान वगैरह रखे थे वो भीग गए थे बाढ़ के कारण। तो ये सितंबर की बात है, सितंबर के बाद तो फिर बहुत हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम अति दुर्गम में जहाँ सरकार नहीं पहुँचे वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। तो हम कभी भी कोई भी चीज़ करते हैं तो पहले उसके जायज़ा लेते, पूरा सर्च करते, इसमें फिर चाहे 10 दिन लगे 15 दिन लगे चलेगा, लेकिन किसी के बोलने पर हम लोग कुछ नहीं करते। उसमें से हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उस एरिया के सदस्य हेमराज कुमरे सर, तुषार मड़ावी सर, नरेश नरोटे सर, मंगेश शर्मा के सर, हमारे नवोदय के मास्टर जी अश्विन जी और लुकेश गावड़े, इन्होंने भर बारिश में 4 गांव का दौरा किया जो अंतिम छोर पे थे, कोयारकोटी, फुलनार, थोड़े से नाम थोड़े कठिन है, ऐसे 4-5 गांव थे, 4 गांव थे उसमें से, तो कोयारकोटी, फुलनार, गुंडरवाई और कोरपसी। इतना आसान नहीं, भामरागढ़ से 27 किलोमीटर दूर जाना लगता है आपको, 27 किलोमीटर दूर है भामरागढ़ से, लेकिन जैसे भामरागढ़ क्रॉस करते फिर आप रोड की दशा नहीं ले सकते, वहाँ रोड नाम के लिए नहीं है, आपको बाइक से जाना होता है, फिर नदिया में पुल नहीं है, नदिया में क्रॉस करना जाना होता है। तो इन लोगों ने इतने इतने घुटने भर के कीचड़ में ये 4 गांव का परीक्षण किया और हमें रिपोर्ट भेजी कि सर अभी तक यहाँ पे सरकार के पास सरकार की कोई भी मदद नहीं पहुँची। फिर संस्था निर्णय किया कि चलो जाना है हमें, जहाँ सरकार नहीं पूछी वही हमें जाना है, भामरागढ़ में हर कोई जाके देगा, वो तहसील ऑफिस में जमा कर देगा, अपन आप जाइए ना उस जंगल में जाके देखिए कि वहाँ की परिस्थिति क्या है। मैं आया जमा कर दिया, फोटो खींच दिया, जाया मैं गया भामरागढ़ तहसील ऑफिस को, तहसील ऑफिस में दे दिया, वो सामान कहाँ गया, किधर गया, राशन मिला नहीं मिला, ये हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी होगी। हम तो अपना पैसा दे रहे लेकिन सरकार ने क्या किया उसका, या पहुँच पाया नहीं पहुँच पाया ये तो कोई नहीं जानता, दे दिया, 2 फोटो खींच दिया, तहसीलदार के सामने हाथ मिला लिया, चल दिया, पेपर में लिख के दे दिया कि ये इतना इतना मदद हो गया। तो जब हम टीम आई तो फिर हमारा डिस्कशन हुआ टीम में सारे लोगों से, सारे मेंबर से क्या करना चाहिए। तो नासिक टीम में आदिवासी एम्प्लॉयज, गोंडियन एम्प्लॉयज, अभी नाम भूल रहा हूँ, नासिक जो अपने हैं, उन्होंने बहुत सहायता की, अच्छी खासी रकम भी दी और कपड़े के बैग्स, 15 बोरी कपड़े भेजे थे नासिक से पार्सल करके, विक्रम बोरीकर सर और मड़ा क्या विनाश मड़ावी क्या कुछ नाम है सर का अभी ध्यान नहीं आ रहा है उनका, विक्रम बोरीकर सर उसके नेतृत्व करता थे वहाँ पे नासिक में। तो उन्होंने अपने टीम के साथ, वहाँ के लोकल टीम के साथ, उन्होंने पूरा का पूरा कलेक्शन करके कपड़ा जितना भी इतने अच्छे से पैक किया था कि मतलब हमें नागपुर में उतरने के बाद इधर भामरागढ़ की तरफ, अहेरी की तरफ भेजने के लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ, और मतलब इतने अच्छे से पैकिंग किया। तो साथ में राशि भी भेजी थी और अच्छा संदेश भी भेजा था। फिर जंगम दल वर्धा से भी कुछ राशि आई थी और फिर कुछ संस्था का राशि मिला के हमने निर्णय किया। हम तकरीबन संडे को छुट्टी होती है सभी कर्मचारियों को, तो हम छुट्टी का दिन ही चुनते, सैटरडे चलते और संडे को मदद करके, कभी हमारी छुट्टियां ज़्यादा हो जाती क्योंकि हम निकलते एक दिन के लिए रह जाते 3 दिन लग जाते, ये हमेशा की बात है, चाहे फिर कचरगढ़ सोचे कहीं भी, तो हमारे भी छुट्टियाँ होती है लोगों की, सारे डिपार्टमेंट्स में होते हैं, लेकिन समय निकालते, जब आपको समय चाहिए तो समय पूरा निकालते, समय पूरा देते संस्था के लिए। तो गए हम लोग फिर अहेरी में रात भर रुके, मेरे भाभी के घर पूरी टीम रुकी। फिर हम लोगों ने नाम के लिए मदद नहीं करना था हमें, तो कपड़े के साथ कंबल के साथ 50 kg हर एक घर में, हमने उससे पहले लिस्ट तैयार कर ली थी पूरे गांवों की, 4 गांवों की लिस्ट तैयार की थी कि कितने गांव में कितने घर है, कितने गांव में कितने सदस्य है, कितने घर में कितने गांव है, 4 सदस्य की। जब तक हम लोग यहाँ से, हमारी टीम अलग अलग राज्य अलग अलग जिले से था, अलग अलग जिले से आने से पहले जो लोकल टीम थी, मंगेश शर्मा के, प्रभाकर जी टेकाम, प्रीति टेकाम और अश्विन वगैरह, रुपेश, हेमराज, ये जो भी अहेरी साइड की टीम थी, उन्होंने तब तक हमारे सामान पूरी पैकिंग की थी, जिसमें प्याज, चावल 50 kg, चीनी 2 kg, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, लहसुन, आलू और 2 लीटर तेल, चीनी, चाय पत्ती, ये सारे जो घरगुत्ते सामान लगने चाहिए उन्होंने वो सारा का सारा रेडी करना था। फिर हमारे इधर से भंडारा की टीम उधर से कुछ कपड़े लेके आई, भंडारा की टीम हमारी जवाहरनगर टीम, जो संस्था की टीम बहुत बड़ी जवाहरनगर में, बहुत जितने भी जवाहरनगर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में होंगे
शायद एक ही जगह के इतने मेंबर अस्मिता में नहीं होंगे जो हर मंथ डोनेशन करते हैं। तो भंडारा टीम का बहुत बड़ा हर जगह योगदान है, चाहे वो कसारगोड़ हो कहीं भी हो। भंडारा टीम के बिना अस्मिता की संस्था भी अधूरी है। तो भंडारा टीम भी वहाँ से आ गई और हम लोग रात को 3 बजे अहेरी पहुँचे। फिर सुबह जल्दी जल्दी उठे, उठने के बाद तैर इतना भी बोले जल्दी निकले, लेकिन समय लगता है, समय लगता है, समय नहाना धोना फिर चलना। फिर उस टाइम बिच्चू वडे सर को, वह अभी आए थे हमें मिलने, कि बिच्चू वडे सर को बोला भी चलिए सर, तो सर का ही काम था तो सर नहीं आए पहले, लेकिन शुभकामनाएं हमें बहुत दी थी उधर। वाकई प्रशंसनीय कार्य ऐसे बोल रहे थे देख के। तो फिर हम निकले, फिर निकले भामरागढ़ से, 27 किलोमीटर था। हम भामरागढ़ तकरीबन 12 बजे या 11:30-12 बजे पहुँच गए होंगे, लेकिन भामरागढ़ से जो 27 किलोमीटर की दूरी थी, मतलब हमारी टीम में कम से कम 40 मेंबर होंगे उस टाइम पे जब जा रहे थे। हमारी टीम में अलग अलग जिले से और लोकल पार्टी मिला के 40 के तकरीबन हम लोग थे, और ये 40 जाने का ही फायदा रहा। अगर हम 40 नहीं जाते तो हम उस गांव तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि जब जैसे हम भामरागढ़ क्रॉस किए और जब लोकल गाँव का रास्ता लगा, जो रास्ते की हालत, रोड तो है नहीं नाम के लिए, कच्चा रोड है, जाओ फिर नाला है, फिर गाड़ी कुछ बाइक्स लेके चले गए थे हम, 10-15 बाइक लेके गए थे, और 2 कार थी और 1 राशन वाली गाड़ी थी। हमें बाकी तो कार पीछे रखनी पड़ी और बाकी बाइक्स में बैठ के और राशन। जैसे जाना शुरू हुआ, थोड़ी दूर जाते गाड़ी फंस जाती, फिर राशन पूरा उतारो, फिर रखो, फिर चढ़ाओ, मतलब रोड है नहीं, फिर पेड़ तोड़ो उसके नीचे दबाओ उसमें, मतलब हमारी मातृशक्ति, हमारे जितने भी लोग थे जो टीम में आए थे, मैं सबका तो नाम नहीं ले पाऊंगा 40 के 40 लोगों का, लेकिन जो भी मातृशक्ति और लया लयर आए थे या जो भी थे, तो बहुत, मतलब हम लोग पहुंच गए शाम के 4:30-5 के बीच में। सिर्फ 27 किलोमीटर के लिए देखिए 4-5 घंटे लग गए। क्यों? क्योंकि वही काम, ट्रैक्टर तक फंसी हुई नहीं निकल पा, ट्रैक्टर जब जहाँ फंस रही वहाँ तो ये टाटा 407 वगैरह की क्या बात है, तो ट्रैक्टर तक फंसी हुई थी। फिर भी हमारी 40 लोगों के कारण हम वहाँ तक पहुँचे, कोयार गुंडुरवाई गांव करके, गुंडुरवाई गांव में हमने उसको सेंटर बना के रखा था, ताकि यहाँ पे हम राशन रखें, और बाकी तो नदी पार करके जाना था जिनको मदद करनी थी, फुलनार या कोई गांव है तो वहाँ तो हम जा नहीं सकते थे इतना राशन लेके, क्योंकि नाव में चलना है, नाव वो करना पड़ता था। की बात ये है कि फुलनार गाँव में अभी भी कोई कुआ या कोई नल नहीं है, वो सिर्फ नाले का पानी पीते। ये आप सभी के लिए दुख की बात है, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। हमने सोचा था कि हम करें कुछ, लेकिन कैसे करते, वहाँ तो 1-2 आदमी का जाने का कोई मतलब नहीं है, आपको, आप जा भी नहीं सकते। तो इस तरह से गए, शाम हो गई, बांट नहीं पाए, फिर वापस आ गई भामरागढ़, क्योंकि रहने के लिए तो वहाँ स्थान है नहीं, कहाँ रहते, जमा कर दिया स्कूल में रख दिया। रात हो गई तो वो राह देख के भी चले गए थे सभी गांव वाले, सिर्फ एक कोयार पट्टी कोई गांव है जो रास्ते में गिरा था, उसी को हमने मदद किया था, और फिर बाकी 3 गांव बच गए थे। 3 गांव हम वापस फिर भामरागढ़ आए तो कुछ लाइट नहीं, पेट्रोल नहीं, अभी गाड़ियों में पेट्रोल नहीं तो सुबह जाएंगे कैसे, है नहीं, लाइट नहीं, पेट्रोल नहीं। एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमारे रोशन पांडरे सर है सस्मिता मेंबर, वो सिंगल रहते हैं लेकिन पूरी टीम को संभाली अपने घर में, और खाना वगैरह सब, मतलब एक जो अस्मिता टीम का वर्क है वो शायद अलग टाइप का, मतलब अलग अलग, जो ऐसे में किसी मेंबर को मतलब नहीं बोल सकता कि, मतलब बोलने से पहले वो सब कुछ कर लेते हैं मैनेज। तो ऐसी एक टीम है, मतलब अस्मिता मेंबर्स की, एक परिवार, उसी के लिए परिवार कहा गया, हमने परिवार नाम दिया है अस्मिता परिवार, व्हाट्सएप अस्मिता परिवार में एक अस्मिता परिवार हमने नाम दिया है। तो उन्होंने हमारी सेवा दी, और फिर जो पुलिस डिपार्टमेंट में थे, हमने बोला कि तुम लोग कल मत आओ, क्योंकि हमने देखा था जो एयरकोटी गाँव में कुछ लोगों के पास हथियार थे जब हम बांट रहे थे, तो वो शायद उसी होंगे, लेकिन हम अच्छे काम के लिए गए थे तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हम दूसरे दिन भी गए, फर्स्ट क्लास गए, फिर बांटे, जब बांटे और उनके बच्चों की खुशी, काको दादी की खुशी देखने की बात ही कुछ और होती है, जब उनकी खुशी देखी, देखे खट्टे अट्ठे अनुभव तो आते हैं, चले गए। संस्था बहुत कुछ करना चाहती, संस्था बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन संस्था के लिए उतना सपोर्ट भी चाहिए, समाज का तो चाहिए, समाज का चाहिए, आर्थिक चाहिए। जब तक हम आर्थिक नहीं रहेगा हम कहाँ से करेंगे। हमने उद्देश्य तो 1 से 5 तक लिख दी, स्कूल खोलना, स्वास्थ्य लाभ के लिए करना काम, या फिर जो भी कुटीर उद्योग खोलना, या
जो भी है बहुत कुछ होता है जो नियमावली में होता है, लेकिन हमें नियमा क्या करना चाहिए तो जो हम कर रहे हैं उसके लिए कैसे करें, आप सोचिए थोड़ा। अगर कोई संगठन अच्छा कर रहा है तो आइए, जो नौकरी पेशा लोग हैं मैं उनको आह्वान करता हूँ, नौकरी पेशा लोग हैं जिनके पास साधन संपत्ति अच्छा है वो आए। कोई ज़रूरी नहीं है आपको काम करने के लिए, कोई संस्था काम करने के लिए नहीं, यहाँ संस्था में काम करने एक से एक लड़के, आप हमें सपोर्ट कीजिए, डोनेट कीजिए। हम चाहते हैं कि हमारे उस अति दुर्गम ऐसे क्षेत्रों में हमारा बच्चा भी नर्सरी टू फोर्थ क्लास पढ़े, इंग्लिश मीडियम में पढ़े, एक ABCD पहले नर्सरी से जाए। कब होगा ये हमारा सपना, या अस्मिता का सपना होगा? ऐसे कब होगा? जब पैसा होगा, जब अस्मिता के संस्था के पास पैसा आएगा। संस्था पे बैक टू सोसाइटी के तर्ज पर खड़ी हुई है, जब पैसा आएगा तब करेगा, और करेंगे हम, हार नहीं मानेंगे। हमने ठान लिया है 2 साल के अंदर कहीं ना कहीं एक स्कूल खोलना ही है, खोलना है। क्योंकि हमने अभी आप लोगों को बताने मसूरा के लिए भी हमने प्रस्ताव पास किया है, कोंडागांव का मसूरा से कुछ रिक्वेस्ट आया था सर से कि सर कुछ हो सकता है तो हमें मदद की, हमने प्रस्ताव पास किया। लॉकडाउन के कारण अभी हम राशि नहीं दे सकते, हम खुद जाएंगे कोंडागांव मसूरा में जहाँ पे जंगो रायतर पब्लिक स्कूल है, वहाँ हम खुद राशि डोनेट करके आए ताकि उनसे कुछ सीखे कि उन्होंने किस तरह से अपने बच्चों के लिए, तो उस तरह हमारा भी सपना आज यहाँ स्कूल गया। अगर यहाँ स्कूल सक्सेस हुआ तो हम अलग अलग जगह अलग अलग रुपये पे करेंगे, लेकिन उसके लिए अमाउंट चाहिए। संस्था बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, क्योंकि हम देखे हैं, हमारा अनुभव कहता है, मेरा खुद का 5 साल का अनुभव संस्था के साथ करते हुए, क्योंकि मैं जब लोगों को बात करता हूँ, मैं 100 बार करता हूँ, आज नहीं बोला चलो यार कुछ दिन के बाद मानेगा, 2-3 दिन अभी टाइम नहीं बोलेगा, नहीं फिर सर मैं अस्मिता से बोल रहा हूँ, और नहीं नहीं अभी टाइम नहीं सर थोड़ा मैं बिजी हूँ, फिर रात को करता हूँ मैं टाइम नहीं, ऐसे मतलब 1-2 बार कर लेता हूँ कि चलो अगर मेरे कहने से, अगर मेरे कहने से अगर होता है कोई संस्था के लिए अगर 200 रुपये भी मिलते हैं तो मुझे नहीं, संस्था को नहीं बल्कि मेरे समाज के लिए मिल रहे, तो वो समाज के निर्माण के लिए हम आपसे पैसा डोनेट करने के लिए। तो बहुत सारे लोग हैं, भास्कर हमारे तो USA में इतने रहते हैं, हमारे ऊपर वॉच रखते हैं, उन्होंने डोनेट किया है, उसके बाद पुणे से किया है, ऐसे बहुत एक खतर राशि देते हैं। कोविता संदेश दुर्वे मैडम ने भी जब देखा काम बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने भी कचहरगढ़ में 5000 डोनेशन किया था। तो ऐसा नहीं कि मतलब नहीं करते, करते हैं, लेकिन बहुत कम जिनको सामाजिक जानकारी होती है, समाज के प्रति प्यार होता है। ऐसा ना कि आप, मैं नहीं बोलूँगा कि गोंडवाना अस्मिता को ही दे दे, आपके गांव से शुरुआत करें। मैंने किया है गांव से, मैंने भी गांव से किया, मैंने गांव में भी, मेरे उसमें देख रहे हैं मेरे गांव के सरपंच, माजी सरपंच साहब शायद कपिल कोटनाक जी, वो बोल सकते कि मैंने किस तरह से साल में कपिल शर्मा के जी देख रहे, तो उन्होंने 1 साल में 1000 रुपये पर घर मैंने रखा कि करिए, आप खुद का करिए, खुद करोगे तो खुद। हमारे लोगों ने 3 साल में एक जमीन भी ली और गोटुल के लिए, और आज वीर बाबूराव शर्मा के का पुतला भी तैयार है। मैं बोला आप करोगे, आपका पैसा रहेगा, आप अपने आप मेहनत करोगे, नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा है, आपको दूसरे से ऊपर डोनेट पे ऊपर भरोसा मत रखे। फिर उन्होंने किया, जागृति करना आपका काम है, जागृत कीजिए। मेरे लिए उसके लिए बहुत लड़ना पड़ा, मेरे गाँव के लिए मेरे अस्मिता मेम्बर जानते हैं, जो मैं सेना में था तो मेरा गाँव में अदर समाज ने कितना विरोध किया था कि दुर्गा पूजा के चक्कर में, तो मेरे ऐसे मेंबर से मैं गर्व करता हूँ, मेरे मेंबर पे, मैं सेना में और मेरे घर में जाके मीटिंग समाज की ले रहे मेरे मेंबर अस्मिता के मेंबर की, उसको जब पूछा है तो आप क्यों नहीं साथ दे रहे ऐसे मेंबर्स, तो कोई वर्धा रह रहा है तो कोई सेना में है, वो छुट्टी पर आके मेरे गांव में मीटिंग ली, लोगों से बोला कि आपके लिए वो करता है, दूसरे के लिए नहीं करता। आज भी मेरा विरोध होता है गाँव में, मेरे विरोध होता है, लेकिन मैं नहीं सुनता, तुम करो, मैं अपना धर्म पाल रहा हूँ ना, मैं अपने धर्म के लिए अपने लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, मैं किसी धर्म को टीका टिप्पणी तो नहीं कर रहा हूँ, आपके लाभ कर रहे ना आपके धर्म में करो, लेकिन मैं अगर मेरे धर्म के लोगों को अगर आपके पास आने के लिए रोक रहा हूँ, उनको हक दिला रहा हूँ, उनको ज्ञान दिला रहा हूँ, उनको जान रहा हूँ कि आपके क्या है क्या नहीं होता था, आपके सामने होता था, अभी भी परंपरा नहीं भूली है गढ़चिरौली, फिर भी आप लोग जा रहे हैं, आपसे काम करवाते हैं, आप खुद घूमते रहते, आप दुर्गा पूजा में जाइए हमारे मंदिर इधर, कोई गेंती कोई ये फावड़ा सब लेके कार करता रहे, बाकी लोग आराम से आदेश देते रहते। तो इस तरह से हमारे लोगों को दिमाग में अभी बसा नहीं, अगर मेरे गांव के लोग सुन रहे मुझे, सुनिए,
मेरे को पता है अदर कास्ट के भी सुन रहे होंगे और टिकट नहीं आएगी एक दो दिन के अंदर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं समाज के लिए, अगर मैं गांव के विरुद्ध नहीं जाना चाहता, गांव रहेगा, लेकिन समाज की जहां बात आती है वो समाज के लिए मैं समर्पित रहूंगा। तो इस तरह से हैं। तो दोस्तों, मतलब मैं ये कहना चाहता था कि मतलब आप अस्मिता संगठन करने से तो खड़ा नहीं होगा। संगठन खड़ा करेंगे या संगठन को बोलेंगे आप तो हम बढ़ेंगे, हमें आना पड़ेगा। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि आपको ये सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि समाज के लिए भी मेरा देन है। आप बड़े अधिकारी बन जाते और कोई भी, चाहे क्लास फोर्थ अधिकारी हो, क्लास वन अधिकारी हो, उसने जब अगर वो हमारे समाज की तरफ ध्यान देगा तो हमारा समाज प्रगति करेगा। आप कीजिए, कोई संगठन अच्छा काम करे तो उनके लिए आइए आगे, आप आइए, नहीं करता है तब बोलिए, तब बोलिए कि अब क्यों नहीं किया आप लोगों ने, या विश्वास तो कीजिए किसी के ऊपर। विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? विश्वास करना है और विश्वास के ऊपर ही दुनिया चलती है। तो मैं सभी अस्मिता का तो तकरीबन बता दिया, और कुछ रहा हो अगर सचिव साहब वगैरह देख रहे कृपया मुझे कमेंट्स करिए, किसी को भी पूछना हो लास्ट में मैं उत्तर दे दूंगा। अगर कुछ बचा है तो सचिव साहब वगैरह मुझे बता सकते हैं। भविष्य में हम एक दो साल के अंदर अगर हम मजबूत हुए तो संस्था नर्सरी टू फोर्थ क्लास शुरू करने की योजना बना रही है। एक दो साल के अंदर शायद हम उसमें सफल भी हो जाए, क्योंकि ये सामूहिक, इंडिविजुअल ज़्यादा करने से सामूहिक में अगर हम ज़्यादा मदद करते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि इसमें कोई हो सकता है एक दो गांव के नज़दीक लोग के बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, जिसमें पूरा इंग्लिश मीडियम होगा, साथ में एक गोंडी भाषा की बुक्स होगी जिसमें विशेषज्ञ पढ़ाएंगे। उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा के बिना होगा नहीं। लेकिन हम, मुझे उम्मीद है कि ये हमारा अस्मिता लोगों का टीम का सपना ये दो साल के अंदर कहीं ना कहीं शुरू होने की पूरी उम्मीद है। और सपना देखना ही और सपने को साकार करना, सपना देखना चाहिए उसको साकार करने प्रयत्न करना चाहिए, तो सफलता जरूर मिलते हैं। जिस तरह से अस्मिता को धीरे धीरे सफलता मिली 2015 के बाद, और सफलता मैं बोलूंगा नहीं, अभी भी सफलता नहीं मिली, कोई नियमावली के मुताबिक, उद्देश्य के मुताबिक आज तक उद्देश्यों के ऊपर हम नहीं किए, सिर्फ मदद 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 करते गए। अगर हम देखें नियमावली के हिसाब से तो हमारा, उसके बाद हमारे जहाँ मेंबर्स है या कोई चाहता है स्पर्धा परीक्षाएँ लेना है, जो कोचिंग क्लासेस वगैरह, तो अस्मिता इसके लिए हमेशा सदैव तैयार है। वो ना स्टेट देखती है ना कोई देखती है, कोई राज्य हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, और कोई भी, जो जहाँ सिर्फ अनुसूचित जमाती के बच्चे चाहिए, हमें शेड्यूल ट्राइब चाहिए, नवोदय की कोचिंग हो, तो इस तरह से अगर कोई है करने चाहते हैं हमारे जहाँ मेंबर्स है, तो हम तो मेंबर्स को बोलते हैं कि आप देखिए अगर वहाँ कोई है तो उसमें अपने समाज के भी पढ़े लिखे लोगों को आगे आने चाहिए। जैसे नवोदय क्लासेस है, हमारे टीचर लोग शाम के 5 बजे घर में रहते हैं, और कोई भी समाज के टीचर, अगर हम 5 क्लास के, 4th क्लास के बच्चों को नवोदय की तैयारी करवा रहे हैं तो 1 घंटा मेरे ख्याल से देना बड़ी बात नहीं है। बाकी उसका किताबें देना, पेंसिल जो भी देना है वो अस्मिता संस्था देगी, लेकिन अगर वो दे सकते हैं टीचिंग तो बेटर रहेगा, क्योंकि उनको बच्चों को पढ़ाने की थ्योरी पता है, बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, बच्चों को उनका कला अवगत है, बच्चों को किस तरह से, अगर वो बेटर आगे आके करे कि नहीं यार मैं 1 घंटा दे सकता हूँ, या दो तीन टीचर है यार मैं आज दूंगा, कल दूसरा टीचर देगा, तीसरा, तो उससे क्या है संस्था के ऊपर भार नहीं आएगा, मतलब संस्था का उसको लगने वाला पैसा बच जाएगा, तो वो आगे बड़े काम के लिए काम आएगा। मेरा कहने का मतलब शायद आप समझ गए होंगे, अगर कोई ऐसे टीचर्स, अरे हर जगह है अपने टीचर्स, अच्छे टीचर्स है, समय देना पड़ेगा। आप बोलेंगे मैं 5 बजे थक गया, अगर वही देखे तो 5 बजे सरकारी टीचर कोई कोई आता है, और शाम को कहने प्राइवेट कोचिंग भी लेते हैं, बहुत सारे टीचर हैं गढ़चिरौली में, तो बहुत है ऐसे, मतलब करते हैं कि पैसा मिलता है तो उसमें थकावट नहीं होती, अगर समाज के लिए वक्त देना है तो वहाँ थकावट आ जाती है, मैं तो अभी थक गया हूँ यार अब नहीं कर सकता, इस तरह से है। और तो देखिए सर, ऐसे बुरा मत माने, मेरा समाज के टीचर है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा अगर आप समाज को एक्चुअली ले जाना चाहते हैं आगे, एक्चुअली ले जाना चाहते हैं। हमारे गढ़चिरौली में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे बच्चों को ABCD नहीं आती, आपको का, मेरे गांव के भी खुद की हालत ऐसी है, दूसरे की बात क्या बोलूँगा। तो इस तरह से फिर भी थोड़ा ठीक है, क्योंकि मेन रोड पर आता है इसलिए आना जाना चलता रहता है, तो थोड़े बहुत तो पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन हम भामरागढ़ का सिचुएशन देखा है हमने, और एटापल्ली का भी सिचुएशन देखा है, तो बहुत बुरा हाल है। तो मैं सभी अस्मिता के माध्यम से, अगर कोई टीचर है इस तरह से
और इस साल अभी स्पर्धा परीक्षाएं शुरू होने से पहले जैसे कोचिंग वगैरह हम लोग नवोदय की 3-4 महीने पहले लेते हैं ताकि बच्चे जनवरी तक रहता है तो बच्चे पढ़ सके या उसका आईक्यू बढ़ सके, तो इसके लिए अगर प्रयत्न कर सकते तो हमेशा आपका स्वागत है सर। अस्मिता को हमारा फेसबुक के नंबर है, मेरा हमेशा फेसबुक पे नंबर रहता है, वही फेसबुक नंबर है, आप कभी भी कॉन्टेक्ट, आधी रात को कभी भी आप आइए आगे, बाकी का खर्चा वो अस्मिता देख लेगी कि बाकी की ऊपर, लेकिन आप आते हैं तो हमें खुशी होगी, एक अच्छा संदेश जाएगा समाज के लिए। तो देख लीजिए, और बहुत सारे हम सोचते हैं कि हमारे गढ़चिरौली एरिया या कहीं भी ट्राइब्स एरिया जहाँ पे बहुत साधन संपत्ति है जंगल से मोहे के लगे वगैरह, तो लड्डू वगैरह हम बहुत दिन से मन में सोच रहे हैं तो कि कुछ करें, क्योंकि हमारे गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा बाम्बू भी है और बहुत लड्डू वगैरह बनते हैं मोहे के, तो उसके लिए हम करने की चाहत रख रहे हैं और शायद 1-2 साल के अंदर ये भी हम लोग कर देंगे, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है या कुछ भी, क्योंकि गढ़चिरौली में मार्केट नहीं है, मेन में जब मार्केट नहीं है तो किस तरह से उसका उपयोग, उसका स्टडी करना पड़ेगा हमें, अगर साधन संपत्ति तो बहुत है लेकिन स्टडी करना पड़ेगा कि हम उस मार्केट उपलब्ध कैसे कराएं लोगों को। इसके लिए मैं गढ़चिरौली के लोकल्स लोग हैं जो रह रहे हैं, अभी तो मैं नहीं रहा हूँ गाँव की तरफ, तो हमें सहयोग करें, मार्गदर्शन दें, हमें रास्ता दिखाए कि किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज हमारा है, ये मेरा गाँव तेरा गाँव, मेरा घर ये मेरा घर नहीं, ये हम सब एक है, हम सब एक है, कोई ये संगठन नहीं कोई वो संगठन नहीं, सब कुछ हम एक है, ये हमेशा देख लीजिए, समाज के लिए लड़ना है, ये ध्यान दीजिएगा, समाज के लिए लड़ना है, समाज के लिए काम करना है अगर आप करते हैं तो, मेरा तो यही बोलता है कि ऐसा। और ऐसे इनके साथ लास्ट, ऐसे तो बहुत सारे हैं जैसे बेरोजगारों को वगैरह रोजगार वगैरह दिलाना, कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि क्या कर सकते हैं, अभी लॉकडाउन की वजह से तो इधर उधर नहीं जा रहे, और लास्ट में अगर कहीं ऐसा होता है इनके साथ हायर एजुकेशन वाला बच्चा, उच्च शिक्षा वाला पाने वाला बच्चा, ऐसे कोई आर्थिक हालत खराब होती है आपकी, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे, आश्वासन नहीं देंगे कि आपको हम मदद करेंगे, लेकिन ये हम पूरी जांच पड़ताल करेंगे, आपकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे, हमें लगेगा कि नहीं वास्तव में है तो, क्योंकि ये शिक्षा के अंदर हमारा जो संस्था का पैसा है उसमें एक बांटा गया है, शिक्षा के लिए 60%, सामाजिक के लिए 20%, सांस्कृतिक के लिए 10%, धर्म, वो शिक्षा के अंदर ही बहुत कुछ आता है, शिक्षा के अंदर कैसे आता है आपका 60% में आपके नवोदय कोचिंग से क्लासेस के आते हैं, आपके स्पर्धा परीक्षा के आते हैं, आपकी किताबें वगैरह किसी को देते हैं वो आते हैं, तो वो सब रेशो देखना पड़ेगा हमें, रेशो देख के अगर ऐसा होता है तो ज़रूर अस्मिता टीम हमेशा स्वागत है और हमेशा मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन ये सब उसमें आना चाहिए। तो मैंने अस्मिता के लिए बहुत कुछ बोला है, शायद लोग बोर हो रहे होंगे कि आज मेरे अस्मिता परिवार में हमारे टीम में 146 ओनली, बाहर के सदस्य अलग, वो 146 सदस्य जिसमें बेरोजगार रोजगार है वो हर मंथ डोनेशन देते हैं, कोई 200 देता है, कोई 500, कोई 1000, तो वो उन्हीं की देन है, मेरे हमारे परिवार के 146 लोग, हमारे परिवार के जो जुड़ते जा रहे हैं मतलब डेली या महीने में 2-3 जुड़ते जा रहे हैं वो लोग इसके खरे हकदार, मैं सिर्फ एक उनका माध्यम हूँ आपके सामने आने का, मुझे इसका क्रेडिट नहीं चाहिए, क्रेडिट उन पर्दे के पीछे रहने वाले लोगों के चाहिए जो काम कर रहे, पीछे रहकर काम कर रहे, पर्दे के पीछे मैं सिर्फ एक चेहरा हूँ उसका, सोशल मीडिया का चेहरा, बाकी जो भी कुछ है जिसका भी श्रेय है वो पूरे 140 तेलंगाना से लेकर, छत्तीसगढ़ से लेकर और आंध्र मतलब आंध्र प्रदेश से लेकर जो भी मेंबर्स हैं वो पूरे के पूरे वो है, जब आपकी टीम वर्क होती है ना सर, आप लोगों की टीम वर्क ही आपकी एकता है, यूनिटी ही एकता है, यूनिटी बना के रखिए, संगठन अपने आप, अब सफलता अपने आप चूमेगी। सुनिए आप कचारगढ़ हो, मुझे तो बहुत अच्छी बात आ रहा है कि कचारगढ़ का तो मैं बताया नहीं, हम 2015 से कंटिन्यूस कचारगढ़ जा रहे थे, देखते थे, हम छोटे से स्टॉल लगाते दो मुझे किताबों की स्टॉल, नंदकिशोर मेहता सर भी एक बार सांस्कृतिक किताब हमारे पास रखे थे, बहुत सारे लोगों की किताब, क्यों किस लिए हम हर जगह जाते हैं, क्यों जाते हैं, हम तो सारे कर्मचारी है, मैं वो सभी जितने भी लोग रहते हैं, हम क्यों 5 दिन छुट्टी लेकर कचारगढ़ में हम क्या करें, क्या उस किताब से हमें क्या मिल रहा है, 10%, 20%, 30% वो किसके लिए, हमें तो कुछ से कुछ नहीं, हम अपना खर्चा करके जाए, अपनी खुद के पैसे से गाड़ी लेके जाए फोर व्हीलर और वहाँ जाके रहे 5 दिन, भूखे पैसे जो मिला वो खा लिया, तो उस तरह क्यों, किसके लिए, किसके लिए किताबें बेचते थे, कहीं वर्धा जाके, कहीं चंद्रपुर जाके, कहीं जहाँ भी यवतमाल जाके, इस तरह से हम सफर कर रहे हैं, इस तरह, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर हमारी 10 किताबें
तब का मिल रहा है वो संस्था के अकाउंट में चला जाता है, ताकि उन बच्चों को कुछ मदद हो जाए, उन बच्चों के लिए कुछ मिले। तो इस तरह से हम करते गए। तो हम 2016 से, मैं 2015 में तो अस्मिता की तरफ से नहीं कहता, क्योंकि मैं सेना में रहता था तो मैं आना फिर मुश्किल हो जाता था। 2016-17 फिर 18, तो इस तरह से हम जाते देखते। तो हमारी टीम कपिल, मैं, हर्षद, सरजू और कभी कभी डॉक्टर महेंद्र स्वयं सर भी, ऐसे लोग आते थे हमारे मंच टेंट में। छोटा सा हम स्टॉल के लिए लगाते थे, ऊपर छत लगाते थे। तब हम कमज़ोर थे, बहुत अस्मिता कमज़ोर थी, लोगों को पता भी नहीं अस्मिता क्या है। तो हम देखते, रात को प्रोग्राम चलता वहाँ, हम मंच के पास ही दुकान लगाते वहाँ पे। तो मंच में जब प्रोग्राम चलता है तो लोग सोने नहीं देते वहाँ पे, लोगों को सोने नहीं देते बिल्कुल, नहीं उठो 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 बोलते वहाँ, क्योंकि वहाँ लोगों की भीड़ इतनी होती कि सोने से वो जो नाच गाना देखने के लिए आते हैं जो हमारे वहाँ पे चलता है गोडियन व्यासपीठ पर, तो वो लोग देखने के लिए आते हैं। तो देखने के लिए आते हैं तो फिर जगह नहीं होती, तो वो बच्चे बच्चे छोटे वगैरह लेके, बहुत से हमारे माताएं वगैरह आती है, बहनें वगैरह आती है, बच्चे आते हैं, वो कहीं भी सो जाते थे। हमें बहुत बुरा लगता था, हमारे छोटा सा था उसमें भी आते थे, हम लोग ऐसे जग देते थे, चलो यार जागते हैं, हम प्रोग्राम देखते, सोने दो इनको। तो हम उसी टाइम सोच रहे थे कि नहीं, हमें कुछ कचारगढ़ के लिए करना चाहिए, जब हम आर्थिक सक्षम होंगे तो हमें कचारगढ़ के लिए करना चाहिए। स्थिति नहीं होना चाहिए इन लोगों की, नहीं होना चाहिए ऐसी स्थिति, क्योंकि हम हर जगह जाते हैं जहाँ पे मेला वगैरह लगता है, उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी सुविधा समाज के लोग करते हैं, उनके समाज के। लेकिन हमारे कचारगढ़ जैसे साल में एक बार मेला लगता है जहाँ लाखों लोग आते हैं, वहाँ हमारे समाज का कोई आगे आके नहीं कार्य कर रहा है, या उनके सोने की व्यवस्था नहीं कर रहा है। एक दुख की बात है हमारे समाज की, बहुत बड़ी दुख की बात है। सिर्फ व्यासपीठ पे आना, मंच देना, ये नहीं होता है। व्यासपीठ ही चाहिए सबको, व्यासपीठ चाहिए, भाषण देने के लिए चाहिए आपको सबके सामने। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए करके हमने फिर जैसे सक्षम हुए, तो हमने पहली बार 2018 पहली बार हमने एक प्रयास किया कि बेटर से बेटर दे सके। तो जिसमें हम लोग जितना तो अभी बताने लायक भी नहीं है, क्योंकि उस टाइम मैं मेरे टीम का इतना शुक्रगुजार हूँ, जो हमारा एक्सीडेंट कचारगढ़ ले जाते हुए निकला, हमारे सचिव साहब मरते मरते बचे, और मंगेश थोड़ा से भी मरते मरते बचे, जो गाड़ी देख के आप नहीं अंदाजा लग सकते किस तरह से, शायद बड़ा पेन का आशीर्वाद था, आसदान था हमें कि हमारी टीम बच गई। लेकिन जिस दिन हमें कचारगढ़ में, हमने वादा किया था रहने की व्यवस्था कर रहे, रहन बसेरा कर रहे 2019 की बात, तो फिर सचिव साहब की और इनकी, तो फिर हम लोगों ने सोचा करें क्या। तो शादी थी, मैं बोला कपिल अर्शद, हम लोगों को वादा नहीं तोड़ सकते, लोगों को हमने वादा किया, उनको पता नहीं होना चाहिए एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, आप लोग चले जाओ। तो दूसरे दिन कपिल, हर्षद और मंगेश वगैरह, मंगेश ने वो निकल के, वो विनोद वगैरह तीन चार आदमी ने पूरे 5 दिन लोगों को सेवा दी। सुन के पहली बार हमारा कचारगढ़ में आयोजन था कि लोगों के रहने के लिए करें, वो कर दिया। फिर दो कम पड़ती जाए जगह, तो हमें लगा इस साल ज़्यादा, इस साल और स्प्रेड कर दे। आप लोगों ने देखे होंगे कचारगढ़ में आते हैं बहुत सारे लोग, कोई नहीं, इतना ही नहीं, हम हर जगह मेडिकल काम दे रहे, जहाँ भी जाते मेडिकल डॉक्टर्स देखे होंगे आपके, इतने सारे पेशेंट्स आते, वो कहाँ से आए डॉक्टर्स, कैसे जुड़े, क्योंकि आप अच्छा काम करते तो डॉक्टर्स अपने, मैं पवन सर के लिए स्पेशल थैंक करना चाहूँगा, डॉक्टर पवन उइके सर, आप अगर मुझे सुन रहे डॉक्टर पवन उइके सर, कमलापुर में अति दुर्गम एरिया में ड्यूटी करते हैं गढ़चिरौली में, वो इतने डेडिकेटेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा, जो भी मेडिकल कैंप होता है उसकी पूरी की पूरी मतलब जिम्मेदारी समझ लीजिए कि उन्हीं की तरफ से होते हैं, एक माध्यमों में लोगों को डॉक्टर से बात करने का। लेकिन डॉक्टर पवन उइके सर का बहुत बड़ा हाथ हर मेडिकल, चाहे भामरागढ़ के मेडिकल कैंप में लगा हो या कचारगढ़ के लगा हो या कहीं भी लगा हो या आगे भी लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ शिविर वगैरह लगाना है हमारे, इसमें तो हम लगाएंगे, हमारे पास डॉक्टर्स है, खुदा न खास्ता बहुत सारे डॉक्टर्स है, अभी 5-6 डॉक्टर्स तो अस्मिता सदस्य में हो एडवोकेसी भी, तो हमें कोई डॉक्टर्स की कमी नहीं है, डॉक्टर्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, साथ देते हैं हमेशा। तो इस तरह से हम कचारगढ़ के लिए आयोजन किया, देखे लोगों, फिर रात को आते सोने, हम लोग फिर बोलते यार सोने से अच्छा है कि इनको हम फर्स्ट एड की जानकारी दें, प्रथम उपचार दें, क्योंकि खेतों में जाते सांप काटता है, तो डॉक्टरों ने वहाँ पर प्रयोग करके दिखाए थे, खुद लेट के, खुद पट्टी बांध के कि किस तरह से आपको करना है इस तरह से। तो हमारे लोगों को है ना, हम थक गए वो ऐसी चीज़ें, तो डॉक्टर इरपाची मैडम ने जनता के सामने की ऊपर, पन हमको आज भी कि इतने पढ़े लिखे लड़की है, अभी हम माइक लेके जा रहे हैं, आप पूछिए आपको क्या तकलीफ होती, पूछिए, मॉडर्न जमाना है, आप
आगे बढ़िए, ऐसे संकोच मत कीजिए, मेंस्ट्रुअल आना कोई मतलब शर्म की बात नहीं है, वो अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न नहीं करते हैं, ये दुख की बात है। प्रश्न करना चाहिए आपको। जब आपके पास आप वही डॉक्टर की सलाह लेने के लिए 300-400 रुपये फीस देते, लेकिन आपके पास डॉक्टर रोज़ कचारगढ़ में आपको बता रहे, आप उनसे सवाल नहीं करें। कुछ थे यूपी के हमारे समाज के लोग, उन्होंने बहुत सवाल पूछे, ऐसे डेली क्लास शुभम कुमरे सर, डॉक्टर निकेश डोके सर, देवेंद्र कुमरे सर, सभी का डॉक्टरों का आज फिर से सबके सामने धन्यवाद करता हूँ कि आपने उस बारिश में भी हमारे साथ रहकर, हमारे साथ उस टेंट में रहकर सेवाएं दी, हमारे साथ खाने खाए, हमारे साथ सोए, साथ में परिवार भी आए थे उनके, मम्मी पापा कुछ डॉक्टरों के, किसी की बहन भी आई थी, पांचों दिन जिस दिन भी, चार दिन जो भी डॉक्टर्स रहे वो पूरे दिन उनके पेरेंट्स भी रहे, तो एक डेडिकेटेड है। कुछ ऐसे डॉक्टर्स थे पहली बार कचरगढ़ आया और कुछ बहुत कुछ सीख के चले गए कि हमारे समाज में इतना कुछ होता है और हमें आज तक पता नहीं। एक दिशा दी अस्मिता ने उस डॉक्टरों को, दिशा दी, मैं और स्पेशली प्रभावित होने वाले डॉक्टरों के नाम, शुभम कुमरे सर कभी पता नहीं उनको कि क्या था, लेकिन आज शुभम कुमरे सर को मुझे कितने डेडिकेट 10 बार फोन करते, सर क्या कर सकते हम लोग, क्या नहीं कर सकते। तो इस तरह से एक संदेश दिया नए डॉक्टरों को, डॉक्टर देवेंद्र कुमरे हो गए, तो सीख के गए। तो अस्मिता धनी ने मतलब कुछ सीखा, सीखने की एक मौका देती है, आप आके देखिए, जुड़ के देखिए, तब पता चलेगा। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, जो भी नौकरी पेशा लोग हैं खासकर, वो लोग आए अस्मिता से जुड़े, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करे, कोई झूठ नहीं बोलते। पे बैक टू सोसाइटी की तर्ज पर संस्था है, पूरी पारदर्शिता संस्था है, संस्था के लिए सचिव बहुत अच्छे मिले हैं, एक युवा सचिव है, और पूरे का पूरा मतलब आपका एक एक रुपया जो भी है, मैं फिर से जो भी आज संस्था है, अगर ऐसे सचिव न मिलते तो शायद संस्था का चलना भी मुश्किल हो जाता, क्योंकि उसके लिए आपको डेडिकेटेड। जब हम कचारगढ़ में थे तो उसकी शादी थी, सिर्फ 7 दिन बाकी थी, मेरे मेंबर से सारे सबको पता है, अस्मिता मेंबर को, 7 दिन थी, तो पहले भी वो कचारगढ़ ऐसा वो लड़का डेडिकेटेड लड़का, सोचिए कोई अपने घर में शादी छोड़ के कचारगढ़ में आपकी लोगों की सेवा करने के लिए आएगा। ये होती है समर्पिता, एकता, कर गुजर जाने की भावना। तो ये दिल से अंदर से भावना आना चाहिए, मैं करूंगा मैं नहीं करूंगा, ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा तो मैं फिर वही, मैं तो बहुत बोला, अगर जिन्हें अस्मिता का काम पसंद आया होगा वो अस्मिता के लिए जुड़ सकते हैं, और अस्मिता के सदस्य शुल्क 750 रुपये है, और वार्षिक होता है, जो एनुअल फीस होती है वो 200 रुपये थे, 30 जून तक भरनी होती है। अगर आप इसके अलावा भी आप चाहते हैं कि मैं संस्था के लिए 100-200 रुपये हर मंथ डोनेट कर सकता हूँ, तो आप हमारे व्हाट्सएप टीम में जुड़ के डोनेट कर सकते हैं, आप सभी का स्वागत रहेगा। और मैं फिर से अपील कर रहा हूँ कि अगर संस्था अच्छा काम कर रही है तो आप जुड़िए करके देखिए, अगर नहीं करते तो आप पूछने का हक बनता है आपका कि मेरा पैसा का। फिर मैं अभी तो बहुत सारे चीज़ें मैं अस्मिता के बारे में बताऊंगा, और मैं फिर से गोंडवाना दर्शन का आभारी हूँ कि मुझे पूरा का पूरा अस्मिता को रिप्रेजेंटेशन करने का मौका दिया। अब